नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सूरजपुर चौराहे को चौड़ा करने के लिए टूट सकती है कुछ दुकानें। उप महापौर बोले, सांगी ब्रदर्स की लीज हुई खत्म, सब लीज करके किया अपराध। रजिस्ट्री कार्यालय सुधारो अभियान को लेकर भाजयुमो नेता, शास्त्री और समर्थकों ने किया प्रदर्शन। महिला सूचना सहायक ने लगाए थे अभद्रता के आरोप। वार्ड 50 के पार्षद ने अमल का काटा, डिस्पेंसरी के कर्मचारियों को एप्रिन पहन कराने की दिलाई शपथ। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार। रंगों के महापर्व होली को लेकर शहर में चल रही है तैयारियां। चांग और मंजीरे की थाप पर नाचती गाती युवतियां कर रही है आकर्षित। और जालौर के आयुक्त की गिरफ्तारी के बाद सदमे में आई मां की हुई मौत। परिजनों ने कलेक्टर पर शव रख किया प्रदर्शन। कोतवाल और एसपी पर लगाए संगीन आरोप। अब से उदयपुर न्यूज पर राजस्थान के सभी जिलों की मुख्य खबरें भी आप बुलेटिन में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूरजपोल चौराहे के विस्तार पर बोले उप महापौर सिंह भी की। शहर के सूरजपोल चौराहे को पार्क बनाने के प्रयास में भले ही नगर निगम के तानाशाह सफल हो जाएं, पर आने वाले समय में यातायात जाम के चलते विकल्प की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में लग रहा है कि निगम की नजर अब आसपास की बिल्डिंग्स पर है। आपको बता दें कि सूरजपोल की शुरुआत जिस बिल्डिंग से होती है, वहां पर कभी अशोका और पिक्चर पैलेस टॉकीज हुआ करते थे और महाराणा काल में मनोरंजन के लिए भूखंड दिया गया था। बाद में इस भूखंड का स्वामित्व जिस शख्स के पास गया, उसने सब लीज करते हुए कई दुकानें तो बेच भी दी। इतना ही नहीं, अशोका और पिक्चर पैलेस के बीच एक सरकारी सड़क भी हुआ करती थी जो नटराज होटल की गली में निकलती थी, उसे भी बंद करते हुए सरकारी रास्ते को ही बंद कर दिया गया। हालांकि अब भी यहां पर जो भी कारोबार चल रहा है वह भी नियमों के विरुद्ध है। इस पूरे मसले पर जब हमने उप महापौर पारस सिंह भी से सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि चौराहे के बीच में कुछ दुकानें और जमीन आ रही हैं। 99 साल के लिए लीज पर इस जमीन को दिया गया था, शायद वह कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। कागजात निकलवाए हैं, चौराहे को चौड़ा करने के लिए जो दुकानें आ रही हैं, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, पिक्चर पैलेस के वहाँ पर निश्चित रूप से वह सूरजपोल चौराहे के बीच में कुछ जमीन दुकान आ रही है और पिक्चर पैलेस को 99 साल की लीज पर सरकार ने उनको जमीन दी थी, उसने स्वयं ने उसको लीज पर सबलेट कर दी। वह नियमानुसार कोई व्यक्ति सबलेट नहीं कर सकता है। शायद मेरे ख्याल से 99 साल भी पूरे हो चुके हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स निकला है और रोड को चौड़ा करने के लिए अगर कोई दुकान आएगी तो उसको भी हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। 5 दिन पहले रजिस्ट्री कार्यालय में भाजयुमो नेता और महिला सूचना सहायक में हुई बहस ने अब तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को इस मामले में भाजयुमो नेता डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय सुधारो अभियान का आगाज करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे, जहां DIG स्टाम्प उप पंजीयन कार्यालय प्रथम को ज्ञापन सौंप कर परिसर में CCTV कैमरे लगाने की मांग उठाई। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम और नंबर चस्पा करने की बात रखी। वहीं दोनों रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर नाम अंकित करने, बिना लाइसेंसधारी दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर जो अवैध रूप से बैठे हैं उन्हें हटाने, कार्यालय परिसर में शिकायत पेटी रखने की मांग रखी गई। इस दौरान शास्त्री के साथ पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष और पार्षद लवदेव बागड़ी भी मौजूद रहे। यहां पर रजिस्ट्रार प्रथम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें इस रजिस्ट्री कार्यालय में जो दोनों प्रथम और द्वितीय है यहां पर CCTV कैमरों की मांग की है। आज हर चौराहे पर CCTV कैमरे लग रहे हैं ताकि वहां पर घटने वाली सभी घटनाओं को दर्ज किया जा सके। यह एक सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है और यहां पर आम जन का आना जाना रहता है और यहां की बहुत बड़ी शिकायत है कि लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं और दलाल लोग यहां पर घूमते हैं कि अपना काम करवा के ले जाते हैं। इसलिए CCTV कैमरे लगाए जाने की मांग की और तो इस कार्यालय में कहीं पर यह बोर्ड भी नहीं लगा है कि यह उप पंजीयक प्रथम का कार्यालय है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने मांग करी है कि जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसका भी एक बोर्ड लगे कि जो यार रिश्वत मांगे वो इस नंबर पर फोन करे। ऐसा सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों पर इस प्रकार के बोर्ड लगे हैं, यहाँ पर इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है। हमने यह मांग भी यहाँ पर की है ताकि आम जन राहत कर सके। यहाँ पर कुछ ऐसे अवैध लोग बैठे हैं जिनके पास यहाँ पर बैठने का लाइसेंस नहीं है और वे दलाली कर रहे हैं।
दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं। हमने सभी का लाइसेंस चेक करके जो अवैध लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको हटाने की मांग भी की है। यह जनता के हित में है और हमने इसका 1 तारीख तक का समय दिया है, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय सुधारो अभियान के तहत हमने आज DIG मैडम के नाम का ज्ञापन रजिस्ट्री प्रथम क्रमांक के रजिस्ट्रार साहब को दिया। हमने मांग की है कि रजिस्ट्री कार्यालय में न तो CCTV कैमरे हैं, न शिकायत पुस्तिका है, यानी सब मिलाकर ये कार्यालय भगवान भरोसे चल रहा है, जो कि राजस्थान वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा राजस्व का विभाग है। न तो यहाँ पे रजिस्ट्री प्रथम लिखा है, न द्वितीय लिखा है। हाँ, इनको इसकी जरूर पता चलती है कि गाड़ी खड़ी मत करो, 500 रुपये शुल्क वसूल लेंगे। अरे भाई, आप शुल्क वसूलने वाले हो कौन? आप न तो RTO हो, न DTO हो, न आपके पास कोई निगम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आम जन की शिकायत की वो पूर्ति कहाँ करे? इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मोबाइल नंबर होने चाहिए। आम जन यहाँ पे रजिस्ट्री का पैसा भी देता है, पीड़ित भी होता है, लाखों रुपए जमा भी कराता है और दर दर की ठोकरें खाता है। आखिर क्यों? क्या वो रजिस्ट्री करा के कोई गुनाह कर रहा है? क्यों नहीं CCTV होवे? जब कलेक्ट्री में है, रोड में है, तो यहाँ क्यों नहीं है? कहीं इसमें कोई लिप्तता तो नहीं है? कहीं इसके पीछे उनके दूसरे भाव तो नहीं है? इसलिए हमने आज मांग की है यहाँ पे CCTV कैमरे लगे नहीं तो 1 तारीख के बाद हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी रजिस्ट्री प्रथम के रजिस्ट्रार साहब की होगी। हमने आज ये ज्ञापन दिया है, आम जन पीड़ित है। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आए, बुजुर्गों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा है कि उनकी रजिस्ट्री गलत कर दी गई, वो भी मैं आपके सामने शीघ्र ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करूँगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अवैध तरीके से होने वाली वसूली हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे प्राण चले जाए, चाहे वचन चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के कोटा जिले की भारतीय जनता पार्टी खेराबाद मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष राम रतन शर्मा ने मंडल की पहली बैठक ली। इस बैठक का आयोजन संकट मोचन हनुमान मंदिर खेराबाद धाम में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि खेराबाद मंडल के समन्वयक प्रभारी भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश कुदालिया रहे। बैठक में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शर्मा व कुदालिया का सरोपा व मालाओं से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। श्री कुदालिया ने भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी गठन के सारी रूपरेखा विस्तार से बताने के साथ ही शीघ्र नई कार्यकारिणी का गठन करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष के बारे में भी उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंडित जी ने विषम परिस्थितियों में अपनी दूरदर्शिता से जनसंघ का जो पेड़ लगाया वह आज वटवृक्ष बनकर छाया प्रदान कर रहा है। श्री राम रतन शर्मा ने पार्टी के विश्वास पर खरा उतरते हुए पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके प्रति वरिष्ठ नेतृत्व का आभार प्रकट किया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करने का आश्वासन सभी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया। बैठक में पूर्व सरपंच सुशीला शर्मा, पूर्व चेयरमैन विजय गौतम, वीरेंद्र जैन, ओम फौजी, पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह शक्तावत सहित मंडल के कई युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जालौर नगर परिषद में 20 जनवरी को महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ी फाइलों में आग लगाने के मामले में गिरफ्तार आयुक्त शिकेश काकरिया की माता का देर रात को निधन हो गया। उनके निधन से आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को शव के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप था कि आगजनी के इस मामले में शिकेश काकरिया को SP हिम्मत अभिलाष और कोतवाल ने षड्यंत्र पूर्वक फंसाया है। इसी सदमे की वजह से उनकी माता की मौत हो गई है। ऐसे में इन दोनों को निलंबित कर इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि नगर परिषद के एक हिस्से में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। इस हादसे में काफी महत्वपूर्ण पत्रावलियां व दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग लगने का मामला संदेहास्पद नजर आने पर इसकी जांच की गई। जांच में आग को लगाने में कुछ लोगों की मिलीभगत उजागर होने पर पुलिस ने वर्तमान व पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसमें नगर परिषद के आयुक्त शिकेश काकरिया भी शामिल थे। सोमवार देर रात उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुत्र को गिरफ्तार किए जाने के सदमे में उनकी जान चली गई। इस पर परिजनों और परिचितों ने शव को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पिछले 25 दिनों से SP साहब के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि SP साहब और CI को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारा पिछले 25 दिन से इन्होंने हमें षड्यंत्र करके हमें फंसाया है। इनसे पूछने पर बार बार हमें यही जवाब देते हैं कि राजनीतिक प्रेशर है। पर इनके पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे मना कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया 25 दिन में। इनमें मेरी मांग है कि SP और CI पे हत्या शिकेश जी की माता जी का हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनका सस्पेंशन किया जाए और यहाँ से जाँच CID में भेजी जाए कि हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं हर जगह IG DG सबसे मैं निवेदन कर चुकी हूँ, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं सुन रहा है। माता जी तो मर चुकी है, हम भी सब मरना सन हो चुके हैं।
हमारी मांगे सीएम साहब तक पहुंचाओ। बस भैया आगामी 9 व 10 मार्च को रंगों के त्योहार होली और धुलंडी का महापर्व आने वाला है। ऐसे में शहर में भी गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सजने लगी है। वहीं हर वर्ष की भांति चांग की थाप पर होली गीत गाती और नाचती युवतियों का समूह भी शहर में घूमकर बख्शीश लेने में जुटा है। शहर की सभी व्यावसायिक दुकानों में जाकर चांग की थाप और मंजीरे की खनक पर झूमती मटकाती युवतियां होली तक झुंड में घूमती हैं और जहां से जो भी बख्शीश मिलती है खुशी खुशी लेकर जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती में रहने वाली महिलाएं अमूमन हर वर्ष होली से पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर नाचती गाती है। इस बार भिलवाड़ा के गंगापुर से भी टोली यहां आई हुई है। मंगलवार को उदयपुर न्यूज कार्यालय की छत पर सभी युवतियों और महिलाओं ने होली गीत गाकर अपनी प्रस्तुतियां कुछ इस तरह से दी। ऐसे मतलब होली पे हर 12 महीने से त्योहार में आते हैं, हर घरों घरों में हम धूम मचाते हैं से। और तो खुशी मनाते हैं, कौन कौन से गीत गाते हैं जो हमारे मारवाड़ी गाने में मारवाड़ी गाने चलते हैं आगे, और तो फिल्मी गाना ये है। फिल्मी एक दुकान से ये तो 151 भी ले सकते हैं, 551 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 10 भी। लोग अपनी खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से इनसे इन साल में एक बार आते हो, इन कम पैसों में आपका कैसे गुजारा चलता है? थोड़ा बहुत चल जाता है। या मैं युदर गुलाल आयो रंग केसरियो मारी रे मंगे तर नतड़ी रे वाली उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के भरेव ग्राम पंचायत के मायदा गांव में जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन व गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बाल दुव्यापार मुक्त राजस्थान के लिए जिला स्तरीय जन संवाद में विशेषकर बाल श्रम, बाल चिकित्सा एवं सुरक्षा शिक्षा की स्थिति को लेकर कई सवाल अधिकारियों के सामने रखे भी गए। जमीनी हकीकत में बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। पता चला है कि यहीं से रोजाना नाबालिग बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। महिलाओं ने बताया कि 12 वर्ष से विद्यालय बंद पड़ा है, जिससे बच्चों को मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहां पर आंगनवाड़ी भी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है और बिजली भी इस गांव में नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार बाल श्रम के लिए रोजाना बच्चे को ले जाते हैं। जब उनका नाम पूछा गया तो ग्रामीणों ने चुप्पी साध ली। इससे लगता है कि ग्रामीणों में ठेकेदारों का डर व्याप्त है। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि चुनौतियां व परेशानियां बहुत है, जिस वजह से बाल श्रम होता है। माता पिता जब तक खुद सजग नहीं होंगे तब तक बाल श्रम नहीं हटेगा। इस दौरान बाल कल्याण समिति की बाल विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमारी भार्गव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव सिंह चारण, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के देशराज, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग मीना शर्मा, तहसीलदार नरेंद्र सिंह सोलंकी सहित मौजूद अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रोग्राम मैनेजर नितिन पालीवाल ने किया। मेरे गांव में सभी बच्चों को विद्यालय अथवा आंगनवाड़ी पढ़ने भेजूंगा। अगर आसपास कहीं भी बाल श्रम की या बच्चों के अधिकारों की खनन की जानकारी मिलती है तो मैं तुरंत सरकार को या चाइल्ड लाइन को शहर की माली समाज पंचायत संस्थान उदयपुर के द्वारा चित्रकूट नगर स्थित सामाजिक कार्यक्रमों एवं छात्रावास के निर्माण के लिए नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की ओर से आवंटित भूमि पर नींव का मुहूर्त किया गया। इस दौरान ओबीसी प्रकोष्ठ के दिनेश माली, रेवा शंकर माली, भुवाणा ग्राम पंचायत के सरपंच मोहनलाल डांगी, पटेल समाज के अध्यक्ष कैलाश धोलासिया, सचिव भरत कुमार माली, तेजराम असावरा, देवीलाल माली, शंकरलाल माली, प्रेम चौहान, रोशनलाल रीछिया आदि समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे।
जिले के फलासिया थाने के लांबादरा जंगल में 20 नवंबर 2018 को एक युवक का सर कुचला और अधजला मिला था। शव का हुलिया बिगड़ने से मृतक की शिनाख्त काफी दिनों तक नहीं हो पाई थी। बाद में गांव के ही मोतबीरों की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में झाड़ोल डिप्टी गिरधर सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई व अनंत कुमार के निर्देश के बाद फाइल की को रीओपन किया गया। इस पर झाड़ोल डिप्टी ने फलासिया थानेदार उम्मेदी लाल मीणा, कांस्टेबल नरवीर सिंह, हितेंद्र सिंह की टीम बनाकर अनुसंधान प्रारंभ किया तो सभी ने गहनता से जांच पड़ताल करते हुए मामले की तह तक पहुंचे और इस हत्याकांड में लिप्त चार आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया, जिनको मंगलवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मांगा गया है। भास्या थाने में नवम्बर 2018 में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, क्योंकि लाश की पहचान नहीं होने से इस ब्लाइंड मर्डर में आगे जाँच नहीं बढ़ पाई थी। और अभी हाल ही में एसपी साहब द्वारा इस मामले को रीओपन करके मुझे जांच सौंपी थी और मेरे द्वारा थानाधिकारी झाड़ोल श्री धुरेंद्र सिंह जी और थानाधिकारी फलासिया श्री मेदीलाल जी के सहयोग से एक टीम का गठन करके फलासिया थाना के कांस्टेबल नरवीर सिंह और कांस्टेबल हितेंद्र सिंह की टीम का गठन किया गया था। टीम ने अपने अथक प्रयास और मेहनत करके गुजरात के सीमावर्ती जिलों में गुमशुदगियाँ जो दर्ज हो रखी है उस महीने में उसके सभी थानों में जाकर प्रयास किए और दांता पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2011 में अज्ञात व्यक्ति की गुमशुदगी के बारे में सूचना उनको प्राप्त हुई थी। उसकी सूचना का समय और हमारे लाश यहाँ पे मिलने का समय एक होने से उसे संदेहवार परिजनों से मुलाकात करके और जब सुधा हमारे पास जो शर्ट और उसके फोटो थे उसकी दिखा के परिजनों को उसकी अज्ञात व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो गई। पहचान सुनिश्चित होने के बाद हमने मामले को आगे जाँच के लिए प्रयास किए और चार आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दो आरोपी नामजद हैं जिन्हें जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। था जिसके अंदर पुलिस द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी और पहचान के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था और इसमें टीम के कांस्टेबल नरवीर सिंह और कांस्टेबल हितेंद्र सिंह की सबसे प्रमुख भूमिका रही। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। मन में फुल जड़ियां छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की। घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरण मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल।
आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल मेन रोड सेक्टर 6 हिरण नगरी उदयपुर। कॉल इट 9660733167। लॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426838। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर जोरदार असर होने की। उदयपुर न्यूज ने मंगलवार के बुलेटिन में शहर के बीचों बीच बनी अमल का काटा डिस्पेंसरी के बीमार होने की खबर दिखाई थी। अमल का काटा पीएचसी पर कुछ दिनों पहले नन्ही बालिकाएं ताला खोलकर खुद ही साफ सफाई भी कर रही थी। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखाई नहीं दिए थे। जैसे ही हमने खबर दिखाई तुरंत एक्शन हुआ और सारी व्यवस्था सुधर गई। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही आलम था। रविवार को फिर उदयपुर न्यूज की टीम डिस्पेंसरी पहुंची और पूरी व्यवस्था को फिर से कैमरे में कैद किया। इस दौरान हमारी टीम ने पाया कि किसी भी कर्मचारी ने एप्रिन नहीं पहन रखा है और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि पूरा स्टाफ मजबूरी में यहां बैठा है। हमने सोमवार को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मच गया। वहीं वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने मंगलवार को डिस्पेंसरी पहुंचकर सभी कर्मचारियों को अनुशासन में रहते हुए मरीजों को देखने की और आने वाले समय में मीडिया को कोई भी शिकायत नहीं मिलने का आग्रह करते हुए सभी से शपथ दिलवाई कि वह आगे से हमेशा डिस्पेंसरी में एप्रिन में ही रहेंगे। हम सब पूरी निष्ठा के साथ ये प्रण लेते हैं कि आने वाले वक्त में हमेशा एप्रिन वो अपनी वर्दी में मरीजों की सेवा के लिए अग्रसित रहेंगे और तत्पर होके सेवा भाव से टाइम का ध्यान रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आने वाले वक्त में क्षेत्रवासियों मरीजों और मीडिया को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रशासन और डॉक्टर साहब के सानिध्य में इस डिस्पेंसरी को आदर्श डिस्पेंसरी के रूप में स्थापित करने का प्रण लेते हैं। बसीटा समाज की ओर से राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की 144वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एमबी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें संत गाडगे विचार मंच और समाज के कई लोगों ने भाग लिया और ब्लड डोनेट किया। वहीं इस मौके पर विचार मंच की ओर से गाडगे बाबा के नाम से प्रकाशित कैलेंडर का वितरण भी किया गया। कैंप के दौरान रमेश चौहान, गजेंद्र वसीटा, दीपक वसीटा, रोशन वसीटा, पार्षद राजेंद्र वसीटा, विजय लक्ष्मी वसीटा, प्रेमलता वसीटा सहित कई समाजजन मौजूद रहे। तो
समाज वसीता समाज उदयपुर की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर हम वैसे तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष करते हैं और करते आ रहे हैं। गार्ड के विचार मंच जब भी कोई प्रोग्राम होता है इनके नाम से साल भर में कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी हमारा 21 यूनिट हो चुका है, 51 यूनिट की हमने टारगेट लेके चले हैं जो लक्ष्य पूरा करने के हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, संत गार्गी विचार मंच संस्थापक की ओर से मैं आप शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से संत गार्गी बाबा की जो जन्म जयंती है उस पर 144 जन्म जयंती है उस पर आप सभी को बधाई। पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंगलवार को उदयपुर रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने मांग की है कि पिछले 5 वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके परिलाभ नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में पहले भी कई बार कर्मचारी संघर्ष समिति इस तरह के प्रदर्शन कर चुकी है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी तरह का कोई परिलाभ नहीं दिया गया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार रोडवेज कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक जीतमल चौहान ने बताया कि रोडवेज में नई भर्तियों के साथ ही सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके परिलाभ मिले और 7वां वेतन आयोग की मांग को लेकर जो कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें उनका हक दिलाया जाए। हमेशा ही हम गत 5 वर्षों से ये मांगे रिपीट करते आए हैं तो मैं नहीं समझता कि आप सभी को ये चीज़ें मेरे हिसाब से याद होगी होगी। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो मुख्य मांग है हमारे कर्मचारियों का जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं मई 2016 के पश्चात उनका सेवोन्नति के पश्चात जो बकाया भुगतान होता है जो परिलाभ उनका बकाया होता है वो परिलाभ अभी तक बकाया चलना है। मैं पूछना चाहता हूँ जो कर्मचारी निस्वार्थ रूप से अपनी पूरी निष्ठापूर्वक सेवाएं देता है और सेवा देने के पश्चात सेवा पूरी होने के पश्चात वो घर जाता है वृद्धावस्था होती है और ऐसे समय पे उसके बाद पैसों की और ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारी मुख्य मांग यही है, चारों मांगे जो खंडपीत हैं, एक तो नई कर्मचारियों की भर्ती, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान और जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है और एक्स ग्रेशिया के आदेश अभी तक नहीं हुई हैं। हम चाहते हैं उनको, मांगे तो बहुत सारी हैं मगर जो मुख्य मांगे हैं, हम छोटी छोटी मांगे तो बहुत सारी हैं मगर जो मुख्य मांगे हैं वही आपके बीच में मैं लाना चाहता हूँ। इसी में इसी मांगों को नहीं मानने के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश स्तरीय धरना दिया है। यह धरना सभी इकाई पर हुआ है, हमारे बीच उपस्थित महासंघ के पधारे आप वैष्णव साहब से भी ले रहे हैं। मैं रोडवेज कर्मचारी जितने हैं उन सबकी समर्थन करने आए हम महासंघ एकीकृत, इनकी हर मांगों को सरकार पूरा करे। हम पूरा विरोध करते हैं कि सरकार ने अभी तक इनकी किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया है और पूर्ण रूप से कठोराघात करती जा रही है। कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हुए लगातार इनके साथ शोषण कर रही है। कर्मचारी महासंघ इसका विरोध करता है और हमेशा इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ है। बिल्कुल पहले भी इन्होंने बिल्कुल आगे की रणनीति बहुत सोच रखी हमने और अगर सरकार भी कुछ समय में विधानसभा चल रही तब तक मांग नहीं मानती है तो दूसरे चरण में अगर ध्यान नहीं देती है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, प्रदेश व्यापी होगा और महासंघ एकीकृत ने पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर हमने इनका समर्थन दिया है और जिससे सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल में स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर आनंदी ने शुरुआत की है। जिला कलेक्टर की पहल पर जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचल कोटड़ा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्र से 57 शिक्षक लगाए गए हैं। साथ ही इन शिक्षकों के नियमित आने जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क बस की व्यवस्था भी की गई है। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर कोटड़ा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अंग्रेजी गणित व विज्ञान के शिक्षण कार्य के लिए 57 वरिष्ठ अध्यापकों को लगाया है। इस आदेश के तहत संबंधित शिक्षक रोजाना अलसुबह निर्धारित
वाहन से कोटड़ा के लिए रवाना होंगे और विभिन्न स्कूलों में शिक्षण कार्य संपादित कर उदयपुर लौटेंगे। ये सभी शिक्षक आवंटित विद्यालयों में शिक्षण कार्य संपादित करा उत्कृष्ट परिणाम देने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, जिला कलेक्टर की अनूठी पहल के तहत की गई व्यवस्था के दौरान श्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। आने वाले समय में कोटड़ा के अलावा 3 अन्य अलग ब्लॉक में भी इस तरह की शिक्षण व्यवस्था की तैयारी जिला प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि आदिवासी अंचल में स्थित स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाएं जाने में असहज महसूस करते हैं। सरकार द्वारा आदिवासी अंचल के स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर तो किए जाते हैं, लेकिन ये शिक्षक अपने रसूख के चलते वापस शहर के आसपास के विद्यालयों में प्रतिनियुक्तियों पर आ जाते हैं। पिछड़े आदिवासी ब्लॉक हैं, उनमें पिछले अगर शिक्षा के स्तर और रिजल्ट्स को देखें तो उस हिसाब से वहाँ शिक्षकों की कमी होना, नहीं पहुँच पाना, उस वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विशेषकर जो विषय विशेषज्ञ अध्यापक हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इनकी ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो उसमें एक प्रपोजल ये सोचा गया कि यहाँ से अगर शिक्षकों को जो एक्सेस हैं या जिन स्कूल्स में वो हैं, जो है वहाँ जा कर के उस कार्य को बेहतरीन कर ढंग से कर सकते हैं, ऐसे शिक्षकों की एक सूची तैयार की गई, एक प्रस्ताव भेजा गया। वो प्रस्ताव पास होने के बाद TADK फंडिंग से और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनके कोऑर्डिनेशन से जिला बस के माध्यम से प्रतिदिन विशेष विषय विशेषज्ञ शिक्षक जो हैं उनको कोटला ब्लॉक से शुरुआत की गई कि वहाँ भेजा जाए और वो सब्जेक्ट टीचर जो हैं वहाँ जा कर के बच्चों को उस सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ाएं और ताकि रिजल्ट जो है अच्छा रहे और शिक्षा के स्तर में जो ये ब्लॉक्स हैं वहाँ पे सुधार है। अभी 3 ब्लॉक्स में और जल्द और 3 ब्लॉक में एक चीज प्रारंभ होने जा रही है, वो भी करवाएंगे। कितना फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की मुहिम जो है? अभी इस चीज़ को 1-2 दिन से ही स्टार्ट किया है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार की मंशा है और जो विशेषज्ञ शिक्षक जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट के जो मास्टर हैं वो जाकर के स्पेशलिस्ट वहाँ अगर पढ़ाएंगे बच्चों को, उसका फायदा निश्चित रूप से होना है। शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के नवाचार आगे भी देखे जाएंगे? बिल्कुल, इसी कोटड़ा से शुरुआत करते हुए जैसा कि मैंने बताया अभी 3 ब्लॉक में, कुल 4 ब्लॉक का ये प्लान था और उसके लिए तो अभी वो तो तुरंत प्रभाव से शुरू करेंगे और भी आगे जो भी विभिन्न गतिविधियाँ हैं चाहे रिजल्ट सुधारने के संबंधित हो चाहे और भी शिक्षा जगत में, वो सारी चीज़ों में प्रयास किया जाएगा। साई बाबा क्लब की ओर से 13वां साई बाबा क्रिकेट कप प्रतियोगिता एमपी ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में उदयपुर सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं। मंगलवार को पहला मैच इंपीरियल क्लब और पटेल 11 के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंपीरियल की टीम ने 92 रन बनाए, जिसमें कमल खाबिया ने 27 रन बनाए, वहीं पटेल 11 की टीम ने 4 विकेट से विजयश्री हासिल की। दूसरा मैच वंडर एकेडमी और सप्रत्न एकेडमी जोधपुर के बीच खेला गया, जिसमें सप्रत्न टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए, जहां भानु कुमार ने 40 रनों का योगदान दिया। वहीं जवाब में उतरी वंडर एकेडमी की टीम में अशोक मेनारिया ने 49 और शलभ अग्रवाल ने 52 रन बनाए। इस मौके पर खेल मंत्री राजेश परिहार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कई रणजी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 29 फरवरी को होगा। साई बाबा कप का जो आयोजन हो रहा है यहाँ पर हर साल की तरह, यहाँ पर 16 टीमें भाग लेती है और इसमें सभी रणजी प्लेयर और IPL के प्लेयर भी उनकी हिस्सेदारी निभाते हैं। यहाँ के प्लेयर जो खेलते हैं यहाँ पर, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ये और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है। यहाँ पर सभी खिलाड़ी, यहाँ पर रवि बिश्नोई जो कि अंडर-19 अभी इंडिया से खेले हैं, IPL के अशोक मेनारिया, दिशांत याग्निक और सभी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हमारे ये बबला भाई जिनकी तरफ से आयोजित किया जाता है और हमारे जितने भी ये सदस्यगण हैं साई बाबा के कार्यकर्ता सब खड़े हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। कितने दिवसीय ये 5-6 दिवसीय टूर्नामेंट होता है, 24 से 29 तारीख तक चला जाएगा। कितनी टीमें भाग ले रही है इसमें? 16 टीमें भाग लेती है और ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है और 29 तारीख को इसका फाइनल खेला जाएगा। और चलते चलते एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। सूरजपुर चौराहे को चौड़ा करने के लिए टूट सकती है कुछ दुकानें। उप महापौर बोले सांगी ब्रदर्स की लीज हुई खत्म, सब लीज करके किया अपराध। रजिस्ट्री कार्यालय सुधारो अभियान को लेकर भाजयुमो नेता शास्त्री और समर्थकों ने किया प्रदर्शन, महिला सूचना सहायक ने लगाए थे अभद्रता के आरोप। वार्ड 50 के पार्षद ने अमल का काटा, डिस्पेंसरी के कर्मचारियों को एप्रिन पहन कराने की दिलाई शपथ। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार।
रंगों के महापर्व होली को लेकर शहर में चल रही है तैयारियां। चांग और मंजीरे की थाप पर नाचती गाती युवतियां कर रही है आकर्षित। और जालौर के आयुक्त की गिरफ्तारी के बाद सदमे में आई मां की हुई मौत, परिजनों ने कलेक्टर पर शव रख किया प्रदर्शन, कोतवाल और एसपी पर लगाए संगीन आरोप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।